हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नो के चैनल। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे एक नई वैकेंसी के अपडेट के बारे में, और साथ ही दोस्तों आज हम जानेंगे आपको इस वैकेंसी यानी NTRO के टेक्नीशियन की जो भर्ती चल रही है इस समय, उसके बारे में कि क्या उसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस फॉर्म के लिए अप्लाई किया है या फिर आपने इस फॉर्म को भरा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी IMP वीडियो है आपके लिए। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। साथ ही दोस्तों, जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है किसी भी जॉब का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो, हम सभी का वीडियो का जो है आपके लिए लेकर आते हैं स्मार्ट नौकरी चैनल पर। और साथ ही यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं सिलेबस, स्टडी मटेरियल। जी हाँ दोस्तों, आपको जो भी एग्ज़ाम के लिए आप जो है तैयारी कर रहे हैं, उसका बस हमें आपको मैसेज या मेल के थ्रू आप हमसे स्टडी मटेरियल सिलेबस ले सकते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के बारे अंदर क्या क्या है आपके लिए। तो जैसे सबसे पहले चीज़ बता दूं कि NTRO का पूरा फुल फॉर्म है आपका नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। टोटल वैकेंसी है 71। जॉब का जो रोल रहेगा वो आपका टेक्नीशियन का है। पोस्ट 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है 10 बजे सुबह से, और जो लास्ट डेट दी गई है वो 23 दिसंबर तक की दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। जी हाँ दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऑल ओवर इंडिया। वर्क लोकेशन इंडिया है, यानी कि ऑफ ऑनलाइन प्रोसीजर है आपका मोड ऑफ एप्लीकेशन का। ऑफिशियल वेबसाइट का नाम देख लीजिए, www.ntro.gov.in। सिलेबस की बात करें कैटेगरी में, तो पहले आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है मैं वो बता दूँ कि सबसे पहले जो आपका होने वाला है वो होगा CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें 2 राउंड है दोस्तों आपका, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये जो 2 राउंड है इसमें सबसे पहला राउंड आपका ये होगा, ये कॉमन राउंड है, यानी CBT जो है सबके लिए कॉमन रहेगा। पहला एग्ज़ाम स्किल टेस्ट होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। इलेक्ट्रिशियन का अलग होगा, मैकेनिकल का अलग होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग होगा। इस प्रकार आपके जो जो स्ट्रीम्स होंगे उसमें आपका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कुछ पेपर पैटर्न्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़। सबसे पहला देखिए, जो आपका CBT होगा उसमें होगा जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, 20 क्वेश्चन आएंगे आपका। क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा, बेसिक में अरिथमेटिक, 20 क्वेश्चन आएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 20 क्वेश्चन। जनरल साइंस इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स, 40 मार्क्स। इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 400 ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपका था पेपर पैटर्न, इस प्रकार आपका जो है पेपर आएगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस को। तो सिलेबस में देख सकते हैं आप, NTRO टेक्नीशियन ए सिलेबस में जो है जनरल अवेयरनेस में, पहले आप टॉपिक ले लीजिए, एक पेन पेंसिल ले लीजिए, एक बुक पे नोट कर लीजिए। इंडियन पार्लियामेंट, लिटरेचर, टूरिज्म, फेमस प्लेस इन इंडिया, जनरल साइंस, इंडियन इकोनॉमी, आर्टिस्ट, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, कंट्रीज एंड कैपिटल्स, फेमस डेज एंड डेट्स, हेरिटेज, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, राइवर्स, लेक्स एंड सीज, सिविक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, एनवायरमेंटल इशू। ये सारी चीज़ें आपकी जो आ गई। अब बात करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड में, प्रॉब्लम्स ऑन LCM एंड HCF, वॉल्यूम्स, प्रॉफिट एंड लॉस, एरियाज, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, सिंपल इंटरेस्ट, पाइप्स एंड क्रिस्टन, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, टाइम एंड वर्क पार्टनरशिप, एवरेज, ऑड मैन आउट, इंडिसेस एंड सर्च, मेंशुरेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ नंबर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है दोस्तों। सिंपल इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिक्सचर एनालिसिस, ये सारा जो आपको मैं बता रहा हूँ ये आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब यहाँ पे मेरा ये कहने का मतलब है कि जो सिलेबस है अगर आप उसे अच्छे से पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो आपको जो है सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का, उसका पहला रूल्स होता है आप उस एग्ज़ाम्स के बारे में कितना ज़्यादा जानते हैं, यानी कि आप जितना बेहतर जानेंगे, जितना आप उसके अंदर डीप में जाएंगे, उसका क्या क्या प्रोसेस है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा दोस्तों, उतना आपको जो है ज़्यादा चांसेस रहेगा उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बात शेयर कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आज ही से आपको जो है स्टडी पे फोकस करना है,
और दोस्तों 71 पोस्ट है, आपको ये लगेगा कि पोस्ट की संख्या कम है, बट दोस्तों सिर्फ एक पोस्ट चाहिए आपको जॉब लेने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये सोच कर चलिए कि आपको टॉप लिस्ट में आना है, टॉप 100 में आना है, तब जाके कहीं आपको ये जॉब लग सकती है दोस्तों। क्योंकि जितना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, जितनी अच्छी तैयारी होगी और जितना अच्छी आपकी सोच होगी, आधा काम तो आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल ही कर देता है। अगर आपने मन में सोच लिया कि हाँ ये जॉब 71 पोस्ट है, मुझे सिर्फ 1 पोस्ट चाहिए, बाकी के 70 पोस्ट है मुझे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मेरा एक पोस्ट है इसमें, बस यही सोच के अगर आप तैयारी करते हैं तो दोस्तों आपको इस जॉब से कोई नहीं रोक सकेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, आज से ही इस एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइएगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो या जो भी लॉन्च करेंगे आपके लिए, उन सभी वीडियोस में आपको NTRO के टेक्नीशियन भर्ती के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, क्वेश्चन पेपर भी हम लेकर आएंगे, पेपर पैटर्न भी लेकर आएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो के साथ ही दोस्तों ये वीडियो आज का हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो स्मार्ट होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए।